नमस्कार दोस्तों, आज हमें अमेज़ॉन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब प्राप्त हुई है। चलिए देखते हैं। वैसे किताब का नाम आपको बता दूं, इश्क में शहर होना। लेखक हैं रवीश कुमार, वही रवीश कुमार प्राइम टाइम वाले। चलिए देखते हैं कैसी होगी पुस्तक। अरे वाह, देखिए इश्क में शहर होना, और इसका चित्रांकन किया है विक्रम नायक ने। खोलते हैं पुस्तक। और रवीश कुमार को तो आप सभी जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्राइम टाइम के जरिए सब में लोकप्रिय तो हैं ही। और ये कृति चौथे राजकमल प्रकाशन सृजनात्मक गद्य सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। इसमें लघु प्रेम कथाएं हैं। इसके अलावा रवीश कुमार की बोलना ही है पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ये देखो रवीश कुमार, ये आमतौर पे लोग इन्हें NDTV वाले रवीश कुमार के नाम से ही जानते हैं, लेकिन पत्रकार के साथ साथ लेखक भी हैं एक। ये राजकमल प्रकाशन समूह का उपक्रम है जिससे ये प्रकाशित हुई है, और इसका मूल्य है 150 रुपये। और ये प्रकाशित, और इस पुस्तक को उन्होंने नैना के लिए लिखा है। ये पुस्तक के क्रम हैं, शहर का किताब बनना, एक दुनिया शहर सी। ये काफ़ी अच्छे प्रिंट में हैं, हर कहानी के साथ चित्र दिए गए हैं जो इन्होंने दिए हैं विक्रम नायक। चित्रांकन की जिम्मेदारी रवीश कुमार ने इन्हें सौंपी। चलिए, ये कहानियाँ हैं, हर कहानी के साथ अपना एक चित्र है जो कहानी की मनोभूमि बताता है। ये छोटी छोटी प्रेम कहानियाँ हैं, अलग अलग छोटे छोटे बिंबों में कहानियाँ लिखी गई हैं। काफ़ी अच्छी किताब है। चलिए एक मैं कुछ कहानियाँ आपके साथ साझा करती हूँ। कहानी कुछ यूँ है। कुछ तो था दिल्ली हाट में, दोनों प्रेमी की तरह खो जाया करते। ऐसा क्यों होता था कि माल रोड से हिंदू कॉलेज तक आते आते भाई बहन की तरह चलने लगते। जान पहचान की जगह से अनजान जगहों में जाना ही इश्क में शहर होना है, अक्सर कहती थी। फ्रांस में लोग सड़कों पर ही एक दूसरे को आलिंगन में भर लेते हैं। काफ़ी थक जाते होगे तुम भी चलते चलते। तो ये थी कहानी, लघु कहानी कह सकते हैं जिसे, कॉलेज के समय की। और एक टीवी पत्रकार ने जैसे शहर को जिया, उसमें पलने वाली प्रेम कथाओं को देखा, उसी का चित्रण इसमें किया है। और देखते हैं अगली कहानी आपको सुनाती हूँ। देर रात तक कौन जागता होगा, चांद और परेशान, और सोता कौन होगा, आसमान। हा हा, तुम दार्शनिक कब से हो गई, तभी से जब से तुम आशिक हो गई। तो ये कुछ कहानियाँ हैं, लघु कथाएँ, जो रवीश कुमार ने अपने अनुभव के द्वारा रची हैं। एक और कहानी है, कहानी है यह नीले कोट वाला किताब को छाती से लगाए क्यों खड़ा है। इश्क के लाजवाब छड़ों में ऐसे सवालों में उलझ जाना उसकी फितरत रही है, इसलिए वह चुप रहा। उसके बालों में उंगलियों को उलझाने लगा बेचैन होती सांसें, जाति विहीन समाज बनाने की अंबेडकर की बातों से गुजरने लगी। देखना यही किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी। ऐसी ही कहानियाँ, बहुत सारी लघु कहानियाँ इसमें एकत्रित हैं। ये थी किताब इश्क में शहर होना। अगर आप रवीश कुमार को सुनते हैं तो आप उनकी ये किताब भी ज़रूर पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लगी। और ये 6 साल में 13वां संस्करण निकल चुका है, जो इस किताब की प्रसिद्धि का परिचय देता है।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।